हेलो दोस्तों, आज हम एक खूबसूरत अट्रैक्टिव ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में जानेंगे। इसकी केयर टिप्स को देखेंगे, इसे किस तरह की मिट्टी लगती है, सनलाइट रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट, इसकी कटिंग हम कितनी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें कटिंग ग्रो करते समय। दोस्तों, कटिंग लगाने के 40 दिन बाद क्या रिजल्ट आता है वो भी हम आखिर में इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। चलो शुरू करते हैं वीडियो। ये बिगोनिया का प्लांट है। होम गार्डनर्स, प्लांट लवर्स, इनका ये फेवरेट प्लांट है। जितने सुंदर इनके फूल होते हैं उतने ही सुंदर इनकी पत्तियाँ होती हैं। इनमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ रहती है, लगभग 2000 से ज़्यादा वेराइटीज़ इनमें पाई जाती है। इनके फूल भी काफ़ी अलग अलग कलर में पाए जाते हैं, जैसे पिंक, वाइट, पर्पल, येलो, रेड। इसे आप चाहे हैंगिंग प्लांटर में लगाए या फिर चाहे गमले में, दोनों में ही ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इनकी पत्तियों में रेड लीफ और ग्रीन लीफ ऐसी दो वेराइटीज़ आती है। पॉलिनेटर्स के लिए ये पौधा काफ़ी अच्छा रहता है, मधुमक्खियाँ इसे काफ़ी पसंद करती है। ये प्लांट एनुअल और पेरिनियल दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है आप इसकी कैसी केयर करते हैं। एनुअल यानि जो साल भर चलता है और पेरिनियल यानि जो सीजनल रहता है। ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसे मैंने कटिंग से ही लगाया था, लगभग 1 साल हो चुका है और देखिए कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये। विंटर का समय इन पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, इस समय इनकी कटिंग आसानी से लग जाती है। अब जानते हैं इनकी क्या केयर टिप्स है। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सनलाइट रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट और तीसरा है मिट्टी। दोस्तों, ये इंडोर प्लांट है, इसे सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप आप दे सकते हैं, मगर अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में दिन भर रखते हैं तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। विंटर सीजन में ज़्यादा धूप रहती नहीं तो आप दिन भर भी इसे बाहर रख सकते हैं। मेरा ये पौधा अभी विंटर सीजन चालू है, ये पौधा मेरा दिन भर बाहर ही रहता है, लेकिन समर में आप इसे सिर्फ 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप दिखाएं। वाटर रिक्वायरमेंट इसकी काफ़ी कम है, इसे ज़्यादा पानी ना दे। ये एक सर्कुलेंट टाइप में आता है, इसकी पत्तियों में काफ़ी सारा पानी स्टोर रहता है। अगर आप इसे ज़्यादा पानी देते हैं तो ये पौधे की गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऊपर की मिट्टी 1 से 2 इंच सूखने के बाद ही इसे पानी दे। इसे सॉफ्ट और पोरस मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिससे पानी ईजिली निकल सके। अगर मिट्टी पानी को होल्ड करके रखती है तो ये गल जाएगा, इसलिए आप पोरस मिट्टी बनाएं। मिट्टी सॉफ्ट और पोरस बनाने के लिए आप उसमें बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप इसे पानी दें तो ये ध्यान रखें कि इसकी पत्तियों पे पानी ना गिरे, पानी सीधा जड़ों में डालें, नहीं तो इनकी पत्तियों को फंगस लगने का डर रहता है। नर्सरी में ये आपको अलग अलग रेट्स में मिलेंगे, डिपेंड करता है आप कौन सी वेराइटी ले रहे हैं। ये 50 से 60 रुपये से लेकर 200-300 रुपये तक वैरी करता है। दोस्तों, ये मेरा कटिंग से लगाया हुआ पौधा है और इसी प्लांट से मैंने 3 और नए प्लांट तैयार किए हैं कटिंग से। ये देखिए दोस्तों, और उनकी भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, काफ़ी जल्दी इसमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इनकी पत्तियां अभी पत्तियों का साइज भी अभी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। इनको मैंने 3 अलग अलग जगह से कट किया था, आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने इन्हें कट किया था उनके नीचे से अभी नए बर्ड्स आ रहे हैं और नई पत्तियाँ डेवलप हो रही है, और जो नए बर्ड्स है वो भी अभी काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। आप जब भी इसकी कटिंग ले तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, आप कटिंग्स को जहाँ से कट कर रहे हैं उसके नीचे 1 से 2 बर्ड जरूर रखें, ताकि उससे नए पत्तियाँ निकल सके और पौधे की ग्रोथ भी ना रुके। दोस्तों, इन पौधों की जड़ों से भी नई नई स्टेम निकल आती है, आप देख सकते हैं 2 नई स्टेम यहाँ से निकल रही है और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। मीन्स आप यहाँ से भी मल्टीपल प्लांट्स तैयार कर सकते हैं।
दोस्तों अभी हम इसकी कटिंग कैसे लगाए वो देखेंगे। इसका पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। इसे हमें 30-30-40 के रेशो में लेना है। 30% कोकोपीट, 30% काउडंग और 40% मिट्टी। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। दोस्तों इसमें मैंने नीचे पॉट में मिट्टी डालने के पहले कुछ कोयला डाला है, जिससे कि पानी वहाँ पे रुके ना, वो आसानी से बाहर निकल सके। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप कुछ और भी डाल सकते हैं, जिससे कि मिट्टी रुकी रहे और सिर्फ पानी निकल जाए। दोस्तों कटिंग लेने से पहले कटर को अच्छे से सैनिटाइज जरूर कर ले, नहीं तो कटिंग खराब होने के चांसेस रहते हैं। मैंने एक हेल्दी स्टेम कट कर दी है और नीचे एक नोड एरिया भी रख दिया है, जिससे कि नई बड्स निकल सके। कटिंग्स को ज़्यादा रूट्स उनके नोड एरिया से ही आते हैं, तो आपको 1-2 नोड एरिया मिट्टी में दबाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स डेवलप हो सके। दोस्तों पहली बार में आपको इतना पानी डालना है ताकि पूरी मिट्टी गीली हो सके और नीचे से पानी बहने लगे, ताकि उसमें एयर बबल्स ना रहे। एयर बबल्स के रहने से आपकी कटिंग फेल भी हो सकती है। इसके बाद दोबारा आप तभी पानी डालें जब ऊपर की 2 इंच तक की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। पानी डालने के बाद इसे आप छाव में रख दें। अब इसके फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका। अभी 40 दिन हो चुकी है, देखते हैं इसमें रूट फॉर्मेशन किस तरह हुई है। फ्रेंड्स इसमें काफ़ी अच्छे से रूट फॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी हेल्दी रूट्स है। जितनी भी स्टेम मिट्टी के अंदर थी लगभग सभी जगह से रूट फॉर्मेशन हुआ है। आप देख सकते हैं कटिंग से कितने आसानी से हम इस प्लांट को लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नए पौधे के साथ। नेचर से जुड़े रहे और नए नए पेड़ पौधे लगाते रहिए।